दोस्तों, उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली साहब ने खूबसूरत लाइनें लिखी हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं, अपने घर की दरो दीवार सजा कर देखो। तो कुछ इसी तरह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इन दरो दीवारों को सजाने से। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और फ्लैशबैक में ले जाते हैं आपको और सुबह से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल की यह प्रातःकालीन वेला है। और गूगल बाबा इस समय इस जगह का टेम्परेचर दिखा रहा है 19 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडा तो है ही सुबह और शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में ज़्यादा ठंडा है, लेकिन दिन में ज्यों ज्यों धूप तेज़ होगी तो फिर गर्मी भी बढ़िया पड़ रही है। और कल तो बहुत गर्मी थी, जब हम गौशाला में थे सुबह के टाइम तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी। तो चलिए अब बनाते हैं रोटी, और तेड़ू की सब्ज़ी है रात की तो उसी को खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बना दी थी रात को तो वो बच रखी है। तो अब बनाते हैं सादी रोटियां। जो सुबह का नाश्ता होता है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, उसको हम यहाँ बोलते हैं कल्या रोटा। चलो बनाते हैं कल्या रोटा। तो अब गांव में हल्की हल्की धूप भी आ गई है और आज लग रखे हैं आसमान में बादल, आप देख सकते हैं हल्के हल्के, तो इस वजह से सूर्य की रोशनी अभी कम ही है। माँ अभी गौशाला में जा रखी है, आटा भी गूंथ दिया है, तो आज जो सुबह की रोटी है वो गैस में ही बना रहे हैं, चूल्हा नहीं जला रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारा आज पूरा किचन है ना, आप देख सकते हैं इसकी दीवारें कितनी काली हो रखी हैं, क्योंकि सर्दियों में हम यहाँ आग जलाते हैं तो इस वजह से इसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी काली हो जाती हैं। ये देखिए आप इस तरफ भी, तो आज इन चारों दीवारों की और नीचे इसकी फर्श की लिपाई करनी है हमें, तो इस वजह से इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले तो पूरा ये किचन खाली करना है, इसको दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाएगा, तो इस वजह से आज रोटी बनेंगी गैस में, क्योंकि जल्दी बन जाएंगी, तब तक माँ भी आ जाएगी गौशाला से। तो अब हमने सुबह का नाश्ता भी कर लिया है, माँ धो रही है यहाँ पे बर्तन। जाली छानी जाली। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गौशाला में और वहाँ से लेकर आऊँगा मैं गोबर। एक परात ले जा रखी है स्टील की और इसमें भर के लाऊँगा गोबर, और उसके बाद घर में होगी लिपाई। बहुत ज़्यादा काम है आज, सबसे ज़्यादा काम, पूरे दिन भर बिजी रहना है आज। हमारे गांव की जो सबसे अच्छी खासियत है ना, वो ये है कि हमारे गांव की जितनी भी गौशालाएं हैं वो सब एक जगह पे हैं, मतलब उनके लिए एक स्पेशल जगह बना रखी है, और गांव के जो घर हैं वो गौशालाओं से बिल्कुल अलग हैं। लो जी, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी माता जी के लिए। लो रितु, बस जी, और एक तुम्हारी बड़ी दीदी के लिए। लो जी, बस जी, और एक देंगे हम किसको, कामिनी को। लो कामिनी। धूप से को मजे से, धूप से को, धूप से को, धूप से को, धूप से को, धूप से को। तो फाइनली गौशाला से
अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। और बाहर आंगन में पीतल के तौले में पानी रखा है गर्म करने के लिए, तो ये लिपाई करने के काम भी आएगा और बाद में स्नान करने के भी काम आएगा। तो ये है चीड़ की टहनी, पाइन ट्री की टहनी है मोटी सी, तो इसको लगा लेंगे तो ये दिन भर जलती रहेगी। फिर कक बढ़ियाँ पाइया। अच्छा, चल ठीक है। तो माँ जा रही है घास लेने के लिए। घास तो है नहीं आजकल हरी घास, लेकिन एक पौधा होता है जिसको कि संस्कृत में बोलते हैं पद्म वृक्ष, और हमारे गढ़वाल में बोलते हैं उसको पइया। तो उसकी हरी पत्तियों को लाएगी माँ गायों के लिए। तो ये है हमारा मेन रसोई घर, और अभी इसकी सफाई हो रही है। यहाँ जितना भी सामान बिखरा पड़ा है इसको दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाएगा, और उसके बाद इसकी दीवारों की होगी लिपाई। आप देख सकते हैं काली काली हो रखी है ऊपर, क्योंकि आग जलती है सर्दियों के मौसम में ज़बरदस्त ठंड के कारण, तो इस वजह से इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो पहले इसको शिफ्ट करते हैं सारे सामान को। और इस समय मैं अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य शिवी को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इस समय मेरे साथ रहता ना तो कमरे में जितना भी सामान है उसे बाहर निकालने में वो मेरी काफ़ी हेल्प करता, लेकिन उसके आजकल पेपर चल रहे हैं तो इस वजह से वो शहर में ही है। सर्दियों के मौसम में जब लकड़ियाँ गीली होती हैं तो उनको सुखाने के लिए यहाँ ऊपर रख दिया जाता है, और अभी लकड़ियाँ पूरी तरह से सूख चुकी हैं। तो रसोई घर का जितना भी सामान था ना वो कुछ उस वाले कमरे में रख लिया है और कुछ यहाँ बाहर डाल दिया है। तो जब इसको फिर अंदर शिफ्ट करेंगे तो पहले इसकी सफाई करेंगे और उसके बाद इसको अंदर रखेंगे। और ये देखो जरा ये क्या है, ये देखिए ब्लैक फॉल्ट तेल चुकड़ती है, सरसों का तेल है इसमें साग भूनने के लिए। मजा नहीं आ रहा है। रसोई घर में जितने भी लकड़ियाँ थी उनको हमने यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया है। धूप लग रही है बिल्कुल चटक, मौसम भी साफ हो गया है, सुबह बादल थे और अब आसमान नीट एंड क्लीन हो गया है। और देखिए गांव में अब गाड़ियाँ आने लग गई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग यहीं पर उतरते हैं हमारे घर के पीछे। जब हम यहाँ चूल्हे में आग जलाते हैं तो यहाँ से वो धुआँ ऊपर की ओर जाता है और फिर इस पाइप से वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमने अपने आप ही बनाया है घर में। तो अभी टाइम हो गया है 11:07, और जो लिपाई का काम है ना अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और धूल इतनी हो रही है कमरे में, तो इस वजह से ये इस तरह से बांध रखा था मैंने। जैक स्पायरो बन गया था पायरेट शॉप कैरिबियन का। तो अभी यहाँ पर रखा है गैस चूल्हा और इसकी चल रही है सफाई, क्योंकि दिन में खाना बनाएंगे ना तो तब तक ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। अब देखिए पूरा किचन खाली लग रहा है और यहाँ पर आवाज़ भी गूंजने लग गई है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ। और दीवारें देखिए आप काली हो रखी हैं, और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना ये तो हमेशा से ही काला रहता है। ये लकड़ियाँ हैं सारी लगी हुई यहाँ पे, तो इन लकड़ियों पे जब धुआं जाता है तो वो धुआं इन पे जमा होता रहता है और इस वजह से पूरी काली हो जाती है। तो अब माँ भी आ गई है घास लेकर के। माँ लिया जी बुरासा का फूल। अरे वाह, माँ की तरफ से सबसे प्यारा गिफ्ट। तो माँ ला रखी है बुरास के फूल, और माँ बोल रही है जब हम घास से आते थे तो तुम्हारे लिए बचपन में ऐसे ही फूल लाते थे खेलने के लिए। जुगराज रहे माँ जी, जुगराज रही, शानदार फूल हो रहा है। पानी सही तो शहद जैसा एक पदार्थ रहता है जैसे ये है, और इसको फिर मीठा हो रहा है बढ़िया।
बुरांस का तो जूस भी मिलता है। हार्ट डिजीज मतलब हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं ना उनमें तो सबसे लाभकारी है, लेकिन उसमें चीनी मिली हुई नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, तब ज़्यादा असरकारक होता है। माँ से मिलने के लिए ना बाहर एक दीदी आ रखी, तो उनका नाती हो रखा है, तो वो गांव में मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा, जिसको कि हम अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कलियो बाँटना। अच्छे लम बैठे थे इन्हें घंटे माँ जी गांव में बैठे तिल दीदी बना दी दीदी चा आप तो आ जान लो गुल घर लिपाई में व्यस्त था, बड़ी देर से मैं अपने दूसरे किचन में नहीं गया। आहा माजी कन लगनो तब नहीं रसोड़ बोल दे सो भल लगनो करनो देनो जरा साफ साफ किचन में ले ली। ये वाला जो हमारा किचन है ये ठंडा रहता है, वो वाला गर्म हो जाता है थोड़ा, तो माँ बना रही है अभी चाय। चाय और खाना भी बनाया ले। हां दाल भात बनाया मिले। अच्छा चलो जरा रही हूँ अब मैं आल दिपण हुए था लीव दिन हंस जरा चाय पिया ली पहलता ठीक जमा खैरा जाने। तो अभी टाइम हो गया है 3:48 शाम के। दिन में लिपाई करने के बाद आज जो दोपहर का खाना खाया हमने काफ़ी लेट हो गई थी, तो 2:30 हमने खाना खाया, उसके बाद स्नान उस्नान किया। जो धूप है वो भी अब हमारे घर से जाने वाली है, तो इसके बाद यहाँ पर फिर ठंड बढ़ने लग जाती है। टाइम हो रहा है 8:00 और हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो होली खेल रहे हैं, घर घर में जाते हैं, होली गीत गाते हैं और फिर लोग उनको कुछ धनराशि देते हैं, तो एक उत्सव एक उमंग का माहौल होता है। और अभी कुछ देर बाद वो हमारे घर में भी पहुंच रहे हैं, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ होली गीत गाने के लिए, क्योंकि हम भी बचपन में होली के गीत गाया करते थे और फिर से वही मंज़र आँखों में तैर रहा है। हरे हरे पीपल पात जय देवी चंडी भवानी।